13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जब तुम्हारे सिपाही उनके सिपाहियों को घेरे हुए होंगे, तुम कबीले जाकर कोकचे खातून को अगवा कर लेना। शहजादे यिगित की जिंदगी सुल्तान के रहम व करम पर और इंसाफ के हाथ होगी। सुल्तान अलाउद्दीन की क्या खबर है नोयान? वो अपने लश्कर के साथ कोनिया रवाना हो गया है, ये खबर आई है। अब वक्त आ गया है अपना इंतकाम लेने का। तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दी है। क्या आपको लगता है कि ये गीत ऐसा सोच भी सकता है कभी? दुआ करो कि वो साजिश का शिकार ना हुआ, वरना मुझे अपने हाथों से उसे सुल्तान के हवाले करना होगा। तुर्गुत अगर नोयान के पास है तो मतलब नोयान हमारी आमद के बारे में जानता है। एहतियात करना होगी हमें। तो तुम शिकार के लिए निकले हो शोला जवान? तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम खुद शिकार हो जाओगे और अपनी बीवी खो दोगे। रुक जाओ, आने दो इन्हें। कुछ देर यहां आराम कर लेते हैं। Thank you.
सुल्तान के ठिकाने के बहुत करीब हैं हम भाई, मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। तुर्गुत और हिगित उनके कब्जे में है, हमारी जरा सी गलती जान ले सकती है उनकी। बिल्कुल फिक्र मत करें अर्तुरुल भाई, उन दोनों को बहिफाजत निकालना होगा यहां से भाई। मैं भी यही चाहता हूं अर्तुरुल, अब हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन आमीन। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो जरा खुद को इस चमकते हुए लिबास में, तुम इन बुजदिलों के सुल्तान बनना चाहते हो, सोच लो एक बार। मेरा सब्र मत आजमाओ तुर्गुत सिपाही। तुम भी अपने बाबा की तरह बदनसीब, बुजदिल और कमजोर इंसान निकले। शर्म आती है कि तुम्हें सलीबियों से बचाया, लानत भेजता हूं तुम पे ये गिद्ध। अपने इताद गुजार सिपाहियों के सामने मैं तुम्हारा सर कलम करूंगा तुर्गुत सिपाही। बहुत हो गया, मैं फौरन जाकर लश्कर की कमान अपने हाथ में लेना चाहता हूं। तैयार हो जाओ, हम रवाना होंगे। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। सिपाहियों, you
या मेरे रब, अर्तुरुल की मदद फरमा, उनके लिए आसानी पैदा कर, उनको इस जग में फतह याब कर, उन्हें मेरे भाई को बचाने की ताकत अता फरमा। अंदर आ सकता हूँ गोकचे खातून? सब खैरियत तो है बॉज? अर्तुरुल भाई और तूतकिन भाई आपस में उलझ पड़े हैं, बहुत मुश्किल से रोका हमने। ये क्या कह रहे हो जंगजू बॉज, किस बात पर उलझ पड़े आखिर? इसका तो नहीं मालूम गोकचे खातून। तूतकिन सरदार कहाँ है? दुरु खातून की कब्र पर गए हैं। अंदर आ सकती हूँ बेटा? बिल्कुल वालिदा, तशरीफ लाइए। कहाँ का इरादा है? बस यूं ही लेटे लेटे थक गया था, सैलजान के साथ चहलकदमी का इरादा है। अच्छी बात है बेटा। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ वालिदा? कल रात अर्तुरुल और सुंगुर की तकरार ने बेचैन कर दिया है मुझे। इस हाल में वो हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए गए हैं। सारी रात एक पलक भी नहीं झपक सकी मैं। आप परेशान ना हो वालिदा, वो सही सलामत लौट आएंगे। और आप तो अर्तुरुल को जानती ही हैं, वो हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेता है। कल तुम्हारे साथ और आज सुंगुर्तकिन के साथ हर वक्त मैं अपनी औलाद को तकसीम होता हुआ देखती हूं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। इस आजमाइश के बाद हम पर ना जाने कौन सी मुसीबत आएगी। वालिदा, हिजरत करीब है और अर्तुरुल साफ कह चुका है, जरूरी हुआ तो वो जरिगे के फैसले के खिलाफ भी जा सकता है, नागुजीर हुआ तो वो तन्हा भी बाजनतीन सरहद की तरफ जाएगा। हमें सोचना होगा इस बारे में। कई कबीले की हिजरत का वक्त आ चुका है वालिदा। यह भी मुमकिन है कि अर्तुरुल अपना रास्ता खुद ही अलग कर ले, और हो सकता है कि बहुत सारे जंगजू और सिपाही भी उसका साथ दें। आप ऐसे वक्त के लिए तैयार रहिएगा वालिदा। और अगर मौसिन ने बाजनतीन जाने का फैसला किया तो फिर उस वक्त तुम्हारा क्या फैसला होगा? आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैंने हमेशा जिरगे के फैसलों का एहतराम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिरगा कोई ऐसा फैसला लेगा। अर्तुरुल अकेला ही इस राह का मुसाफिर होगा, बहुत हुआ तो कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तुम काई कबीले की ताकत हो और मुस्तकबिल भी। मैं तुम चारों को मुत्तहिद रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम जिरगे में नया सरदार चुन सकते हैं। जिरगा जिसका भी इंतखाब करे, सबको कबूल करना पड़ेगा। वालिदा, अभी इस बारे में आप मत सोचिए, वक्त आने पर सब खुद हो जाएगा। चलिए थोड़ा ध्यान बटाने के लिए साथ चहलकदमी करते हैं, मामू और मुमानी की कब्रों पर जाकर दुआ भी कर लेंगे। हाँ Oh!
मुस्तकीन सरदार, सरदार कहाँ चले गए आप? क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो नाजुक लड़की? शोला जवान तो मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह शिकार हो जाएगा। झूठ कह रहे हो तुम। पिछली मर्तबा जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम अर्तुरुल से बेबस आशिक की तरह भीख मांग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो बुकजी? हर तरफ हमारे दुश्मन ताक में बैठे, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकती। तो इसका नाम गोकचे है। तुम लालची औरत हो, बिलाखिर तुम सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गई। तुमने उस शोला जवान को कितनी आसानी से फंसा लिया। अब तुम्हारी मेहरबानी से उसका सर कलम करूंगा मैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सिर्फ इतना, वो शोला जवान चाहिए मुझे और कुछ नहीं। चलो देखते हैं तुम्हें वो कितना चाहता है। मुझे भी साथ जाना चाहिए था वालिदा, मैं भी लड़ता उनके साथ। वो वक्त भी आएगा दुंदार, अब तुम भी बहादुर सिपाही हो। अर्तुरुल भाई गलती कर रहे हैं, ये कितने हमें धोखा दिया है। सुंगुरतकिन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गद्दार है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसने रियासत से, सुल्तान से गद्दारी की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा वालिदा। वालिदा क्या चाहती है? वालिदा चाहती है कि कबीले तकसीम ना हो, लेकिन अर्तुरुल के होते हुए ये मुमकिन नहीं। क्या हुआ भाई? इस पर खून लगा है। गुंडोगदू, भाई यहां पर कुछ लाशें पड़ी हैं। वालिदा, ये जगह महफूज नहीं, यकीनन यहां किसी दुश्मन ने हमला किया है। तुंदार, कबीले जाओ और सिपाहियों को लेकर आओ, जाओ फौरन। नौयान का काम है ये।
उसके अलावा कोई और ये कर भी नहीं सकता। कोई मदद करो। रुक जी। खातून। सलजान रुक जाओ। सलजान। मदद करो। कोई मदद करो मेरी। मदद करो मेरी। बहुत हो गया, घोड़े पे लाद दो इसे।
आला, हम फिर मिल गए सलजान खातून। छोड़ दो मेरी बहन को। हर वक्त गुस्से में ही रहती हो तुम। असल में तुम्हारी बहन की जरूरत है मुझे। आला, तो सब मौजूद हैं। नौयान, संभल के दोहल, हमें एहतियात से काम लेना होगा। जा चुके हैं वो लोग यहां से, होशियार रहना, और भी जाल बिछाए होंगे हमारे लिए। उस मर्दूत नोयान में मुकाबले की हिम्मत ही नहीं है। ये गोकचे का लिबास है और साथ एक मक्तूब भी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? जज्बाती लड़के, जब तक तुम मेरे ठिकाने पर पहुंचोगे तब तक तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में होगी। जंग तो अब शुरू हुई है। तू तकिन सरदार, तू तकिन मेरे भाई, वो मुझे जिंदा छोड़ देने पे पछताएगा। तू तकिन, रुक जा। तू तकिन, कोक जो उसके कब्जे में, मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? अर्तुरुल भाई, चले दे मुझे। तू तकिन, मैं नहीं रुक सकता। मजा आ गया शिकार का। तुम्हारे बेटे मेरे गार में मौजूद हैं और तुम लोग खुद चल के मेरी झोली में आ गिरे। एक तीर से कई शिकार कर लिए मैंने। पहले सलजान और अब कोकचे।
तुम सिर्फ औरतों ही से लड़ने के काबिल हो। यहां से तुम्हारी लाश ही जाएगी। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं सेलजान, कितना खुशनसीब इंसान हूं मैं। अर्तुरुल के अलावा यहां सब मौजूद हैं। मुकद्दस रूहों ने मेरी सुन ली। हम पर तुम्हारी लाश देखने से पहले मौत हराम है नोयान। जंग में बेतुकी बातें नहीं बल्कि मजबूत बाजू काम आते हैं माजूर इंसान। लेकिन तुम्हारा तो बाजू ही बेकार है, क्या लड़ोगे मुझसे? सबक सिखाना होगा इसे। आ जाओ इब्लीस की औलाद, आ जाओ। बस इतना ही जोर है? हाँ तो माजूर इंसान, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी मजदूरी को देखकर। कितने लाचार और बेबस हो गए हो तुम। क्यों ना तुम्हें निजात दे दी जाए इससे। दोबारा मिलेंगे हम। वालिदा, बंदूक दो, बंदूक दो। वालिदा, दुंदार, हम ठीक है, हमारी फिक्र ना करो तुम। जाओ उस नौजवान शैतान को जाके पकड़ो। चलो सिपाहियों, जाओ जल्दी। मेरी बच्ची, लगता है कि वो उस तरफ गया है। भाई पीछे करो। परेशानी की बात यह है कि नोयान ने गोकचे को क्यों अगवा किया है।
मैं यहाँ हूँ। तुम? सादतीन कुपैग हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। सरदार की जौजा को अगवा करके वो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म की तामील करने का वक्त आ गया है। शहजादा यकित को मारकर तुम्हें कोकचे खातून को बचाना है।